आपकी चुने, उस स्पेशलाइजेशन में आपको आगे कैसे बढ़ना है, फिर उसके बारे में फोकस कीजिए। तो मेरे साथ इस सर हैं कि आपको बताएंगे कि अगर आपके टेस्ट के बाद कॉमर्स और आर्ट्स भी होता है आपके करियर लॉ मैनेजमेंट होटल मैनेजमेंट इस साइड में नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको अभी से क्या तैयारी करनी है। देखो नॉन मेडिकल मेडिकल तो बहुत सिंपल है, मेडिकल लेना है बायोलॉजी लो, डॉक्टर बनना है सिंपल है, पेपर है नीट की तैयारी करनी पड़ेगी और एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा। नॉन मेडिकल अभी हो तो जेईई का पेपर आता है, आईआईटी जो बोलते हैं उसका पेपर लोगे, क्लियर करोगे, इंडिया में 15 लाख बच्चे बैठते हैं, मेडिकल की 30,000 सीटें हैं, इंजीनियरिंग की तो सीटों को लिमिटेड है और आईआईटी की 15,000 सीटें। कॉमर्स या आर्ट्स अगर आप लेते हो आपके लिए क्या क्या करियर अवेलेबल है, उस करियर को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, 11th से स्टार्ट करके अभी नहीं करनी है। अभी तो आपको दो काम करने हैं कि सही सिलेक्शन करना और बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आना, लेकिन नंबर आते ही आपको फिर 11th से क्या स्टार्ट करना है। रिसर्च लास्ट ऑफ स्टूडेंट्स Vish Gera, I'm the director of Beachman, and I have got the opportunity to speak to you guys. आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ये सोच रहे हैं कि हमें इंडिया से बाहर जाना है? 1, 2, 3, 4, 5 बस सिर्फ 5 लोग फॉरेनर बनना चाहते हैं, राइट? अच्छा आपको पता है कि फॉरेन जाने के लिए सबके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, शायद पैसे हमारे पेरेंट्स 40-50 लाख रुपए फीस ना दे सके, शायद हम अपने माइंड में इस चीज़ को एक